हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर के आई हूं कि आपके आने वाले जो 3 मंथ्स हैं वो आपके लिए कैसे रहेंगे, बेसिकली क्या ब्लेसिंग्स हैं उनमें, क्या अच्छा आपको मिलने वाला है और क्या गाइडेंस रहेगी आपके लिए। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। ये आप जब भी देखेंगे, ऐसा नहीं है मैं अभी अपलोड कर रही हूं तो अभी से आगे के 3 मंथ्स के लिए ही है सिर्फ। ये आप जब भी देखेंगे उस वक्त से आगे के 3 मंथ्स के लिए ये रीडिंग होगी, ठीक है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, तो हम देखेंगे आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी गाइडेंस, आप क्या क्या चीजें, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रही हैं, कितना बदलाव होगा आपकी जिंदगी में, आप क्या चाहते हैं, क्या चल रहा है या चाहत क्या है आपकी, हम सब देखेंगे। और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपका दिल से स्वागत करती हूं। थैंक यू सो मच कि आप मेरे चैनल पे आए और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके टाइम पर। और अगर आपने पहले से ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए भी मैं आपको थैंक यू सो मच कहती हूँ, बहुत सारा प्यार आपके लिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वो पेड है और उसके सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा और कॉल्स में अटेंड नहीं करती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए एक्वेरियस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पहले हम देखेंगे कि बेसिकली आप क्या चाहते हैं या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या आप चाहते क्या है, आपकी ब्लॉकेजेस क्या है। देन हम देखेंगे कि आपके लिए इन 3 मंथ्स में क्या आ रहा है, यूनिवर्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या गिफ्ट्स दे रहे हैं आपको या क्या चेंज कर रहे हैं आपकी लाइफ में। और फिर हम उनकी तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, अपने प्रभु की तरफ से हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस, कुंभ राशि। थैंक यू। ओके, 2 कार्ड्स मैं यही लूंगी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, राशि एक्वेरियस, थैंक यू। प्लीज वन कार्ड, गिव मी वन कार्ड। Thank you so much, thank you so much, thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, तो Aquarius, आप अभी इस सिचुएशन में जो है आप लोग बहुत दुख दर्द झेल रहे हैं या उस पीरियड से निकल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे डिवोर्स से निकल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे किसी ने जैसे आपको धोखा दिया, मैं ये कहूंगी उस चीज से आप निकल रहे हैं अभी बाहर। कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी धोखा देना, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है किसी के रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी की वजह से आपसे चीट करा है, वो चीज आप झेल रहे हैं यहाँ पे, मैं ये देख रही हूं। और इस वक्त आपका दिल बहुत टूटा हुआ है, बहुत दुखी हैं आप इस समय। यस, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, या मतलब बहुत दुख जिससे कि आपका हृदय जो है वो छलनी छलनी हो जाना, समझ रहे हैं आप मेरी बात, ऐसी फीलिंग। hmm.
और कुछ लोगों की ये पास्ट की एनर्जी है और कुछ लोग इस वक्त पे इस सिचुएशन को हील कर रहे हैं, इस पोजीशन में हीलिंग प्रोसेस में है। अभी कुछ लोग यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस में हैं, अपने हार्ट को हील कर रहे हैं, इस कठिनाई भरे दौर से निकल रहे हैं, मैं ये कहूंगी। यस, किसी ने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बहुत ज्यादा आपको कुछ ऐसा बोला गया है जिसके बारे में आप सोच सोच कर दिन रात बहुत दुखी हैं, या कुछ ऐसी बातें हुई हैं आपके आसपास जिसको आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, वो आपको बहुत हर्ट करी है, जो आपने सोचा नहीं था कि किसी के थ्रू आपको ऐसी बात सुनने को मिलेगी, लेकिन उसने आपके लिए ऐसी बात कही तो आपको वो बातें बहुत हर्ट हुई हैं, आप बहुत हर्ट हुए हैं यहाँ पे, मैं देख रही हूँ। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। यस, आप डिसीजन लेना चाहते हैं, आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। मैं जैसे कह रही हूं कि यहाँ पे कुछ लोग जो है हीलिंग प्रोसेस में हैं, इस चीज से आप बाहर निकलना चाहते हैं, हो सकता है आपके पास कोई और ऑप्शन भी हुआ, दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास टू ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। आपके पास कोई ऑप्शन भी हो सकता है, आप उससे बाहर आना चाहते हैं, इन चीजों से बाहर आना चाहते हैं आप। मैं ये कहूंगी कि आप अब एक आपने चूज कर लिया है कि हाँ मुझे अब इस चीज से बाहर आना है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, यहाँ पे डेफिनेटली बहुत मतलब यहाँ कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इश्यू लग रहा है, थर्ड पार्टी इश्यू, कोई भी पर्सन हो सकता है, वो घर का कोई सदस्य हो सकता है या बाहर का कोई सदस्य, फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी। यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यू लग रहा है आपको, या तो डिसरिस्पेक्ट मिली है वहां से, मतलब किसी ना किसी बात को लेकर के आप बहुत हर्ट हुए हैं, वो बात आपको बहुत चुभी है आपके दिल को, और अब आप इस चीज से बाहर आना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देख रही हूं, उनके पास ऑप्शंस हैं और वो मतलब दुविधा में है थोड़ा कि क्या करें क्या ना करें लाइफ। थैंक यू। आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है फ्रेंड्स, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप, आपका करियर, कोई भी एरिया हो सकता है ये, ठीक है, आपकी हेल्थ हो सकती है, कुछ भी। ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो मैसेज है वो ये है कि आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप लोग स्टक हैं किसी सिचुएशन में, कुछ लोग यहाँ पे स्टक हैं। यहाँ पे मुझे फाइटिंग्स भी नजर आ रही हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए तो फिजिकल वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में ही मैं कहूंगी कि है ऐसा कुछ, जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में या कह लें कि अपने कलीग्स के साथ, ऑफिस में आसपास कुछ ऐसा पॉलिटिक्स टाइप समथिंग, या घर में ही कुछ ऐसा क्रिएट होना माहौल, कुछ हेल्दी मुझे आपका एनवायरमेंट नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनके दिमाग में बहुत चीजें चल रही हैं, बहुत फाइटिंग चल रही है, बहुत उथल पुथल है, आप सोच नहीं पा रहे कि क्या करें क्या नहीं करें, किस चीज के साथ आगे बढ़े, ऑप्शन वन या ऑप्शन टू। बहुत बुझा हुआ फील करना, बोर लाइफ में, कि जैसे अब कुछ लाइफ में बचा ही नहीं है, अब कुछ लाइफ में बचा ही नहीं है, आप अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं। लेकिन यहां मैं देख रही हूं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कुछ है, कुछ ब्लेसिंग्स है, कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, जिन्हें आप वो आप ऐसी वाइब्स में आ गए हैं इस समय, इतनी लो वाइब्स में आ गए हैं कि आप उन अपॉर्चुनिटीज की तरफ नहीं देख रहे हैं, आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी लाइफ का कोई भी हो सकता है एरिया,
आपका करियर हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई न्यू ऑफर है, हो सकता है आप अभी अपने पास्ट में ही अटके हुए हैं, जिन्होंने आपको हॉल्ट करा है, आप अभी सिर्फ उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं और आपके लिए न्यू ऑफर भी है, लेकिन वो एंट्री कहां से करे? आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखी है, आपने मन ही नहीं बना रखा ऐसा, आप अभी सिर्फ नेगेटिव ही सोच रहे हैं, आप इतनी लो वाइब्रेशन में है कि ये पॉजिटिव चीज आपकी तरफ आते आते आपको दिखाई नहीं दे रही है, वो एंट्री नहीं कर पा रही है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो उसके लिए अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपनी वाइब्स को चेंज करने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, अगर अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी वाइब्स को चेंज करने की कोशिश कीजिए। आज मैंने अभी इस रीडिंग से पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, आई थिंक वो टॉरस की है, और उसमें मैंने यही इस चीज के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करा है। अगर हो सके तो आप प्लीज वो वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने मेडिटेशन के लेकर के यही पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को लेकर के ही चीज बताई है। आप इससे अपनी वाइब्स को पॉजिटिव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है? चाहे तो आप बीच में काट काट के चेक कर लीजिएगा कहाँ पे है, मैं आपको पूरा देखने के लिए नहीं बोल रही, पर वो मैसेज आपको, आपके लिए वो मैसेज है, वो बिल्कुल सेम मैसेज आपके लिए है, आपको वो मैसेज सुनना चाहिए। आपको ऐसी वाइब्स से निकलना है बाहर, आपको ऐसी लो वाइब्रेशन में नहीं रहना है। एक्वेरियस, यस यस यस, आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ एक्शन चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में खुशियां चाहते हैं, मैं ये कहूंगी। आप इतना कुछ झेल रहे हैं ना, या झेल चुके हैं या झेल रहे हैं, ऐसे प्रोसेस से निकल रहे हैं, अब आपको चाहिए कुछ अच्छी चीजें आपकी लाइफ में हो, अच्छा कुछ हो आपकी लाइफ में। अब आप इस तरह की लाइफ जीते जीते कंटिन्यूसली, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा सब कुछ बहुत ही लंबे समय से चलता आ रहा है, समझ रहे हैं आप? ऐसी चीजें जैसे कि मैं बोल रही हूं कि आपका जो वेब है, जो आसपास के लोग हैं, मुझे आपका हेल्दी नहीं लग रहा है। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में खुशियां चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। अब आप चाहते हैं अब ये चीजें चेंज हो, बेसिकली चेंज हो चीजें। कुछ लोग यहां पे हो सकता है अपने किसी क्लोज वन के साथ डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, और आपको कम्युनिकेशन की आस, वहां से कम्युनिकेशन नहीं आ रहा, आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे आपके पर्सन आपसे, तो उस चीज की भी वेट है आपको, मैं यह देख रही हूं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। सी द टावर, ये जो है ये ब्लॉकेजेस हैं, आपको लेट गो करनी है। फ्रेंड्स, आप लेट गो नहीं कर रहे हैं चीजों को। यस, ये आपके, ये ब्लॉकेज है आपका, आपको इस पे वर्क करना है, इस पे वर्क करना है। या तो कुछ लोगों की लाइफ में टावर मूवमेंट हुआ है, आया है टावर मूवमेंट कुछ लोगों की लाइफ में, ये टावर मूवमेंट ही तो है। ये जो हार्ट ब्रेक होना, किसी का धोखा देना या कुछ ऐसी चीजें होना, आपको ऐसे पर्सन्स को, ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को, ऐसी आदतों को आपको लेट गो करने की जरूरत है, और यहां आप वो लेट गो नहीं कर रहे, आप उन चीजों को पकड़ के बैठे हैं, दैट्स व्हाई कि आप इतनी लो वाइब्रेशन है, समझ रहे हैं? आप इस पे एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, बढ़ना चाहते हैं आप बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पास्ट की चीजों में ही स्टक रह गए हैं। आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके अंदर वो चाहत है, लेकिन आप वो एक्शन नहीं ले रहे, समझ रहे हैं आप? वो एक्शन नहीं ले रहे, अपनी लाइफ में वो बदलाव नहीं ला रहे, सोचने भर से वो बदलाव नहीं आ जाता है फ्रेंड्स, वो लाना पड़ता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? उन्हें लाना पड़ता है। तो यहां पे आपको लेट गो करने की जरूरत है उन सभी चीजों को जो आपकी लाइफ में अहमियत नहीं रखती, या जिन्होंने आपको कभी कुछ नहीं समझा, जिन्होंने आपको जो मतलब आपको सर्व नहीं करते हैं, जो आपके हित के लिए नहीं है, जो टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, टॉक्सिक पर्संस हैं, टॉक्सिक आदतें हैं, उन सभी को लेट गो कीजिए, हील कीजिए अपने आप को, हील कीजिए अपने आप को।
मैंने कहा ना कुछ लोग तो यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस में है भी है, जो लोग हैं उनके लिए ये मैसेज नहीं है, वो लेट गो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे लेट गो नहीं कर रहे, जो इस लो वाइब्रेशन में है, उन्हें यहाँ पे लेट गो करने की जरूरत है। आपका सबसे बड़ा यही मैसेज है यहाँ पे। देखते हैं आपके लिए आने वाले 3 मंथ्स में यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो आपको यूनिवर्स। एक्वेरियस कुंभ राशि यूनिवर्स आप आने वाले 3 मंथ्स में एक्वेरियस को क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओह वाओ, ये फ्लिप हुआ। फोर ऑफ वॉन्ड्स, इससे पहले मैंने आपको दिखाया था ना, फोर ऑफ वॉन्ड्स खुशियां, वो स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट करना, अपनी लाइफ को फुली इंजॉय करना। अगर स्थिरता नहीं थी अभी तक आपकी लाइफ में, कोई पर्सन ऐसा था जो इन एंड आउट होता रहता था, तो वो स्टेबिलिटी है यहाँ पे। लिटरली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज है आने वाले 3 मंथ्स में, सेलिब्रेशन है आपकी लाइफ में, खुशियां मनाना। ये आप क्लोजअप देखिए कार्ड को, खुशियां मनाना, समझ रहे हैं, ये ब्लेसिंग आ रही है। प्लीज अपने आप को हील कीजिए फ्रेंड्स, अपने आप को हील कीजिए। और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स एक्वेरियस के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, बहुत सारे कार्ड्स फ्लिप हो गए। ओके, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में आइए फ्रेंड्स, देखिए कितनी सारी खुशियां आपके लिए वेट कर रही हैं। द हर्मेट, यस, अपने अंदर, यस, मैं कह रही हूं अपने अंदर की खोज कीजिए। कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए जो टावर मूवमेंट है, ये जो लेट गो है, आप में से बहुत से लोग जो हैं उनका झुकाव जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाएगा। अगर अभी तक आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा झुकाव नहीं था आपका, तो अब आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा। अब अगर अभी तक आप कर्मास में बिलीव नहीं करते थे, तो यहाँ पे अब आप कर्मास पे भी बिलीव करेंगे, और थोड़ा समय अब आप अपने साथ भी बिताएंगे, अपने साथ भी बिताएंगे। मैं ये कहूंगी कि जो हीलिंग प्रोसेस है, जो आप अपने आप को हील कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपकी हीलिंग हो रही है, यस। और अपने आप को हील करना, अपने आप को विजडम गेन करना, अपने आप में अंदर की जो आपकी अंदर की विजडम है आप में, वो बाहर आ रही है आपकी, आप हील हो रहे हैं। जो टॉक्सिटी थी आपके अंदर से सारी बाहर निकल के जा रही है। दैट्स वाई कि आपके लिए यहाँ पे फोर वॉन्ड्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे लिटरली कोई न्यू घर है, नया घर, जो लोग यहाँ पे नया घर लेना चाहते थे उसकी सेलिब्रेशन है यहाँ पे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। यस, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जिस भी सिचुएशन में फ्रेंड्स आप स्टक थे, दैट्स वाई हमारे पास द हर्मिट का कार्ड आया। मैंने बोला ना, आप बहुत एक वाइज बनने वाले, विजडम आपके अंदर जो है आप उसे बाहर निकालने वाले हैं, आप बहुत मेडिटेशन करने वाले हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने वाले हैं, और जो भी सिचुएशन थी आप उसे अपनी इनर वॉइस की मदद से आप उस सिचुएशन में से बाहर आएंगे। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक होते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया भी है, देख रहे हैं, बर्ड है, और बर्ड जो होते हैं वो हमारे इंसेस्टर्स की निशानी होते हैं। इंसेस्टर्स आपकी मदद करेंगे इसमें, इंसेस्टर्स आपकी मदद करेंगे, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हैं उससे बाहर आने में इंसेस्टर्स आपकी मदद करेंगे। वो आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो आप बहुत इंट्यूटिव होने वाले हैं आने वाले समय में, आप बहुत चीजों की खोज करने वाले हैं फ्रेंड्स, अपने अंदर की खोज, बहुत चीजों को जानेंगे। खासकर मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप अपने आप को जानेंगे, आप अपनी ताकत को जानेंगे इस वक्त में। ये आने वाले 3 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल लेडी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, द
guys. Thank you so much. Okay, blessings. Thank you. Two cards. Three of Wands. Yes. Expansion. हर चीज में बढ़ावा, खुशियों में बढ़ावा. Ten of Wands. आपके जितनी भी दुख, तकलीफें, बोझ, टेंशंस, बर्डन्स, या मैं कहूंगी अगर कुछ भी स्ट्रगल अगर आप झेल रहे थे, अगर कुछ लोग यहाँ पे पैसों का स्ट्रगल कर रहे, पैसों को लेकर के मनी वाइज फाइनेंस वाइज अगर स्ट्रगल कर रहे थे, उन सब चीजों का यहाँ पे अंत है. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया है बॉटम ऑफ द डेक. अभी तक अगर आप अपने आप को ऐसा फील कर रहे थे कि आप में वो काबिलियत नहीं है, या ये सब पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में नहीं आ रही थी, तो बिलीव मी यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो सब चीजें ला रहे हैं. आपकी टेंशन, ये जो भी चीजें हैं ना, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सब खत्म होने वाली है. बस आपको क्या करना है, आपको उन चीजों को, उन टॉक्सिक चीजों को, टॉक्सिक पर्सन्स को, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को, और मैं कहूंगी टॉक्सिक आदतों को लेट गो करना है, अपनी लाइफ से दूर करना है और अपने आप को पॉजिटिव करना है. समझ रहे हैं आप? अपनी लाइफ को पॉजिटिव कीजिए. और जो लोग ऐसे सिचुएशन में हैं, उन्हें देखिए, हर कोई अपनी लाइफ से हर किसी को नहीं निकाल सकता. फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, कुछ लोगों के पेरेंट्स भी टॉक्सिक होते हैं. ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के पेरेंट्स भी टॉक्सिक होते हैं. अब क्या वो उनको अपनी लाइफ से निकाल दें या उनसे अलग हो जाए? नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है. सॉल्यूशन ये है कि उनकी बातों को अपने दिमाग पे नहीं लेना. दैट्स वाई मैं आपको कह रही हूं कि जो मैंने टॉरस की भी मैंने रीडिंग बनाई है, उसमें मैंने वो मैसेज दिया है मेडिटेशन का, प्लीज उसे आप सुनिए कि वो किस तरीके से आपकी ये लो वाइब्रेशन को हाई वाइब्रेशंस में बदल देगा, किस तरीके से आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव थॉट्स में बदल देंगे और आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं. जो भी भार था ना, आपका इन 3 मंथ्स में खत्म हो रहा है और आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है. ये सब कट रहा है. आपको चाहिए था ना आपकी लाइफ में एक गुड न्यूज ही मैं बोलूंगी, गुड न्यूज चाहिए थी आपको. इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आने वाले टाइम में. वेरी ब्यूटीफुल एक्वेरियस. और बहुत से लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं आप लोग. यस, ओके. और अब आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, हमारे एंजल्स की तरफ से, हमारे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या मैसेजेस हैं. वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको. ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, मैसेजेस, जो भी वो देना चाहे हम सुनेंगे. थैंक यू एक्वेरियस. थैंक यू. ओह वाओ, डोर टू वैल्यू. जो लोग अपने आप को बहुत लो फील कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे ये ब्लेसिंग आ रही है. यूनिवर्स ने आपको बता दिया, क्योंकि अभी तक आई थिंक आपको कंफर्म ना हुआ हो, क्योंकि वो बॉटम ऑफ द डेक था हमारा, जो डेक कार्ड था. अब आपको वो कंफर्म हो गया होगा. जो भी चीजें, ऐसी सिचुएशंस आप झेल रहे थे कि आपकी कभी किसी ने मदद भी नहीं करी, आपने फाइनेंशियली बहुत बुरा वक्त भी देखा है, तो अब आपके लिए यहाँ पे डोर टू वैल्यू, वो आपके सामने अबंडेंस का दरवाजा खुल रहा है. आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी आ रही है जिससे आप इतनी सारी अपनी लाइफ में मैं कहूंगी मटीरियलिस्टिक अबंडेंस गेन कर सकते हैं. आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो दरवाजा खुल रहा है आपके लिए आने वाले 3 मंथ्स में. एक्वेरियस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. और क्या आ रहा है आपके लिए? हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली, जो आप चाहते थे, हैप्पी फैमिली, एक रेनबो, खुशियां, सेटिस्फेक्शन, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, होम, पॉजिटिविटी. कैसे कैसे एक्सप्लेन करूं मैं इसे, बहुत सारी चीजें हैं. स्टेबिलिटी, मैंने आपको यहाँ पे ये मैसेज दिया था, होम का 4 स्टेबिलिटी का नंबर होता है, 4 नंबर स्टेबिलिटी का होता है, घर का होता है. तो यहां पे लिटरली आपकी फैमिली बनना, कुछ लोगों की यहां पे फैमिली बढ़ना, कुछ लोगों के लिए यहां पे फर्टिलिटी भी है. फैमिली में किसी पर्सन का इजाफा, किसी पर्सन का मैं कहूंगी उसकी आने की खुशी,
और लास्ट कार्ड है हमारे पास एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो आपके साथ है इन सब प्रॉब्लम से निकलने के लिए, वो आपको स्ट्रेंथ दे रही है। और आपको यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है, ये 5+0 5 नंबर चेंज का होता है, ये जो भी सिचुएशन है आपकी चेंज होगी, आप में वो स्ट्रेंथ आ रही है, आप अपनी पावर में आ रहे हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आप अपनी पावर में आ रहे हैं इस वक्त में, इन सब से डील करने में, इन सबको डील करने में आप में वो स्ट्रेंथ आ रही है। और देखते हैं आपके लिए कुछ और ब्लेसिंग्स, मैसेजेस क्या है आपके लिए, गाइडेंस क्या है, बेसिकली आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं स्पिरिट गाइड्स। जस्ट थैंक यू सो मच। ट्रस्ट, ब्यूटीफुल कार्ड, ट्रस्ट। आपको यहाँ पे यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की जरूरत है। ये देखा जाए तो आई थिंक ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की, ये। लेकिन इसको देख करके ना मुझे फूल की एनर्जी मिलती है, समझ रहे हैं आप, और देख करके मुझे ऐसी फीलिंग भी आई। तो यहाँ पे आपके लिए स्पिरिट आपको यही बोल रहे हैं, आपके लिए न्यू स्टार्ट है, बस आपको ट्रस्ट बना के रखना है यूनिवर्स पे, अपने प्रभु पे, अपने अल्लाह पे, अपने गॉड पे, आपको उन पे ट्रस्ट रखना है और आगे बढ़ना है। आपको किसी चीज की फिक्र नहीं करनी, ये पर्सन जो है इस तरह हवा में है किसके भरोसे, सिर्फ अपने भगवान के भरोसे, है ना। तो आपको भी यही ट्रस्ट दिखाना है यूनिवर्स पे, आपको सिर्फ ट्रस्ट रखना है उनपे, फेथ रखना है उनपे, लीप ऑफ फेथ लीजिए। यहाँ पे एनर्जी है द फूल की, न्यू स्टार्ट है आपका, वो संभाल लेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को, वो देख रहे हैं, आपको जरूरी मदद दी जाएगी, जिस चीज की आपको स्ट्रेंथ चाहिए स्ट्रेंथ देंगे, आपको मनी चाहिए वो मनी से हेल्प करेंगे, वो यूनिवर्स का काम है, वो आपको हर कदम आपकी मदद करेंगे, बस एक बार उनके भरोसे छोड़ दीजिए, बाकी उनका काम है। टर्निंग इन, मैंने बोला ना द हर्मिट की एनर्जी, अपने अंदर से जुड़ना, अपनी हायर सेल्फ से जुड़ने की कोशिश करना। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। बेसिकली ये देख रहे हैं इस कार्ड के आसपास यहाँ पे बहुत चीजें हैं, बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये अपने अंदर पीस में है, पॉजिटिविटी भरी पड़ी है, पीस भरा पड़ा है। तो यही एनर्जी आपको भी चाहिए, यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, इस एनर्जी में रहिए, ये आपकी गाइडेंस है फ्रेंड्स। और देखते हैं आपके लिए टू और कार्ड्स देखेंगे हम। थैंक यू, पॉसिबिलिटीज, यस, ये देख रहे हैं कितना टफ है। और अपनी नजरों को खुली रखिए, मैंने जैसे कि आपको यहाँ पे बोला, यहाँ पे फोर ऑफ कप्स है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपको ऑफर्स मिल रहे हैं, या आपके आसपास वो आना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, लेकिन आप अभी लो वाइब्रेशंस में हैं। अपने आंख कान को खुले रखिए, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाइए, एक नया सवेरा आएगा, ये जो टफ टाइम है ये जाएगा, रात के बाद सवेरा होता है, समझ रहे हैं आप, रात के बाद सवेरा होता है। तो ये वही बात है, ट्रस्ट, ट्रस्ट रखिए और अपने आप को एक्टिव रखिए और अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में रखिए, ठीक है। और देखते हैं लास्ट वन कार्ड आपके लिए, वाओ, फ्लावरिंग, आप इस एनर्जी में आने वाले हैं, आप इस एनर्जी में तो आने वाले हैं, ये नाइन ऑफ सॉरी ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। और ये मुझे इनसे मदर गाया की एनर्जी मिलती है, समझ रहे हैं आप, मदर अर्थ की एनर्जी मिलती है मुझे। तो आपको जैसे मदर होता है, मदर होती है ना, कि किसी की भी अपने बच्चों की मदद करना, या जिनकी मदरली नेचर होती है वो किसी की भी मदद करते हैं, उनमें बहुत प्यार होता है। तो आपको ऐसी नेचर में रहना है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना है, मैं देख रही हूँ कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऐसी सिचुएशन में आकर के
आपको आपका दिल टूटा है मैं मानती हूँ, लेकिन आपने ट्रस्ट करना बंद कर दिया है लोगों पे, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपका आपने अपने अंदर के सॉफ्टनेस को, अपने अंदर के प्यार को ना लॉक करके रख दिया है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, उसे ओपन कीजिए, उसे ओपन करने की जरूरत है, और अपने प्यार को बांटिए लोगों के बीच में। हार्श मत बनिए, यहाँ पे मुझे वाइब्स मिल रही है कि आप हार्श हो गए हैं। यहाँ पे आप में से कुछ लोग ना बहुत हार्श हो गए हैं, बहुत कड़वा बोलने लग गए हैं, जैसे कि लोगों पर से भरोसा उड़ जाना। लेकिन यहाँ पे आपको जो यूनिवर्स है यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको इस एनर्जी में रहना है। मदर की एनर्जी क्या होती है, एक लविंग केयरिंग नेचर होती है ना, आपको वो एनर्जी में रहना, आपके अंदर वो एनर्जी है, आप में वो अंदर कैपेबिलिटी है, आप में आप वो ही हैं, आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इतने हार्श होने की आपको जरूरत नहीं है। आप लाइफ में बहुत अच्छा आ रहा है, आपकी लाइफ में आपकी लाइफ फुली चेंज होने वाली है। ये ब्लेसिंग्स देख रहे हैं आप, ये क्या कम है ब्लेसिंग्स, मुझे बताइए और क्या चाहिए लाइफ में आपको, मनी वाइज, फाइनेंस वाइज, फैमिली वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, और क्या चाहिए, इनर पीस, स्ट्रेंथ, सब कुछ मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए आपकी लाइफ में। यहाँ पे लिटरली कुछ लोगों के लिए मैरिज भी है, कमिटमेंट है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे मैं देख रही हूँ, और फर्टिलिटी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपका इंतजार कर रही हैं आपके आने वाले 3 मंथ्स में। लेट गो कीजिए फ्रेंड्स, जो भी चीजें हैं पास्ट में हो चुकी है या जो आपको सर्व नहीं करती उन्हें लेट गो कीजिए, ठीक है। एक्वेरियस कुंभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी इस रीडिंग से कुछ मैसेजेस या कुछ गाइडेंस मिली हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज इन्हें अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, मैं ये बोल रही हूँ आपको, अप्लाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एक्वेरियस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू, बाय।